हाय एवरीवन, मैं सुमन सिमरन। आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही रिफ्रेशिंग शरबत की रेसिपी, जिसे कहते हैं कुलकुली शरबत। तो इसे आप इफ्तार में इजीली सर्व कर सकती हैं। इसके लिए यहाँ मेरे पास है 2 आइस क्यूब, 1 बाउल मेरे पास है चॉप किया हुआ पाइनएप्पल, 100 ml पानी है मेरे पास, और ये है मेरे पास 2 छोटे चम्मच पिसी हुई चीनी, थोड़ा सा नमक है 1 पिंच, और 1 नींबू का स्लाइस है, और साथ ही साथ 1 हरी मिर्च और कुछ पुदीना के पत्ते। यहाँ 8 से 10 पुदीना के पत्ते हैं मेरे पास। तो आइए शुरू करते हैं कुलकुली शरबत बनाना। सब्सक्राइब कीजिए कुक विद समन सिमरन को और बेल आइकन दबाना मत भूलिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो सबसे पहले एक मिक्सर जार ले लें, उसमें डाल दें ये पुदीना के पत्ते, हरी मिर्च को तोड़ लें, और डाल दें इसमें सॉल्ट और थोड़ा सा पानी। अब इसे अच्छे से ग्राइंड कर लें, एक फाइन पेस्ट बना लेंगे हम इसका। तो आइए चेक कर लेते हैं, बनकर तैयार है पुदीने का पेस्ट। तो अब मैं इसे निकाल लूँगी। अब एक बार फिर से वही मिक्सर का जार ले लें और उसमें डाल दें ये पाइनएप्पल, और इसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। पाइनएप्पल भी बिल्कुल अच्छे तरीके से ग्राइंड हो चुका है, तो अब इसे भी निकाल लें। तो अब सबसे पहले एक मिक्सर जार ले लें, आप चाहें तो यहाँ पे किसी बॉटल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे मिक्सर जार में बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम मिक्सर जार में डाल देंगे पाइनएप्पल का प्यूरे, ये है मेरे पास पुदीने का पेस्ट, आइस क्यूब्स, चीनी का पाउडर, और नींबू को स्क्वीज कर दें। ये अच्छे से स्क्वीज़ हो चुका है, तो अब मैं इसे बंद करके ग्राइंड कर लूँगी 1 मिनट के लिए। मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, तो इसे चेक कर लेते हैं। वाह, आप देख सकते हैं इस पर कितना अच्छा सा झाग आ चुका है। तो अब मैं इसे सर्व कर लूँगी। एक सर्विंग ग्लास ले लें, उसमें डाल दें ये पाइनएप्पल कुलकुली, तो बनकर तैयार है पाइनएप्पल कुलकुली। यहाँ मैंने इसे सब्जा सीड के बगैर बनाया है, आप चाहे तो इसे सब्जा सीड के साथ भी बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है, नीचे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।